क्या आपको पता है कि डीसी फ्रेंचाइजी के बैटमैन का फेमस विलेन जोकर किससे इंस्पायर्ड है? क्या आपको पता है कि इस ट्रिक की वजह से साइंस के स्टूडेंट्स को एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ना पड़ रहा है? तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा लॉ है? तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम आज ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं, जिसे सुनकर आप बस यही बोलोगे, अनबिलीवेबल। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने एटीएम मशीन तो देखा ही होगा और आपने कैश भी विड्रॉ किया होगा, तो आपने ये श्योरली नोटिस किया ही होगा कि मनी डिस्पेंस होते टाइम एक साउंड आता है। तो क्या लगता है आपको कि वो किस चीज का साउंड है? क्या मशीन का कोई मोटर चलने का साउंड हो सकता है? बट लेट मी टेल यू दैट द रियलिटी इज कि मनी डिस्पेंस के टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो फेक साउंड होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो साउंड पहले से ही सेट होता है, जो कि एक स्पीकर की मदद से प्रोड्यूस होता है, ताकि हमें ये सेटिस्फेक्शन दे सके कि हमारा पैसा आ रहा है। दोस्तों, आप सभी ने बहुत सी फोबिया के बारे में तो सुना ही होगा। इस फोबिया के ऊपर आपको एक पूरी फोबिया से भरी हुई बुक भी खरीदने को मिल जाएगी। तो क्या आपको इस फोबिया के बारे में पता है कि ऐसा भी एक फोबिया होता है जहां पर कोई भी लड़का या फिर लड़की शादी, रिलेशनशिप या कमिटमेंट से डरता या डरती हो? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा भी एक फोबिया होता है जहां कुछ लोगों को अपने लाइफ पार्टनर या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीजों से डरते हैं, और इस फोबिया का नाम है गेमोफोबिया। स्कूल डेज में आप सभी ने अपने ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्टडी किया है, तो क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि काश हम अपने बॉडी के अंदर एक्सप्लोर कर पाते और ऑर्गेन्स को अच्छे से देख पाते? सो फ्रेंड्स, द गुड न्यूज इज दैट नेदरलैंड में एक म्यूजियम है जिसका नाम है कॉर्पस म्यूजियम, जहाँ पर इस वर्ल्ड का सबसे पहला ह्यूमन बायोलॉजी म्यूजियम बनाया गया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का इंटरनल एनाटॉमी दिखाया गया है। हो सके तो इस प्लेस को जरूर विजिट करें एक बार। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी डार्क नाइट तो आपने देखा होगा शायद। अगर आपने बैटमैन का ये मूवी नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा कि इस मूवी में हीथ लेजर, जिसने जोकर का भूमिका निभाया था, उसको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। बट द फैक्ट इज, डीसी फ्रेंचाइजी में बैटमैन का फेमस विलेन यानी जोकर किससे इंस्पायर्ड है? तो वो है कॉनराड वेड, जिसने 1928 की एक मूवी द मैन हु लव से इंस्पायर्ड है। क्या आपने एग्जोर्सिस्ट मूवी देखा है कभी? एग्जोर्सिस्ट मूवी इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवी के लिस्ट में आती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मूवी के शूटिंग के टाइम बहुत से एक्टर्स इंजर्ड हुए थे और सेट्स में भी आग लगी थी? उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रीस्ट को सेट में रखा गया था, ताकि वो सेट को ब्लेस कर सके, और साथ ही बर्क का रोल निभाने वाले एक्टर को भी, यानी जैक मैकगोवन, जिसका इन्फ्लुएंजा की वजह से डेथ हो गया था। बचपन में आपने ये कार्टून शो यानी स्पॉन्ज बॉब स्क्वेयरपेंस जरूर देखा होगा। इस कार्टून शो का लोकेशन यानी बिकिनी बॉटम, जो कि एक फिक्शनल अंडरवाटर टाउन है, यूएस के एक फेमस न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है बिकिनी अटोल, जहाँ पे 1946 से लेकर 1958 तक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, और इसी कारण आपको इस शो में न्यूक्लियर रेफरेंसेस दिखाई जाती है। क्या आपको पता है कि जब कनाडा ने अपने पॉलीमर बैंक नोट्स को रिलीज किया था, तब बहुत से कैनेडियन लोगों को उन नोट्स में से एक स्वीट स्मेल मिल रहा था। बहुतों ने मजाक में ये बोला कि नोट्स में मेपल सिरप सेंटेड किया गया है, लेकिन बाद में बैंक ऑफ कनाडा ने ये बोला कि उन्होंने उन नोट्स में कभी कोई सेंटिंग किया ही नहीं है। तो असल में वो सेंट पॉलीमर के मटेरियल और जो इंक उसमें प्रिंट करने के लिए यूज किया गया था, उसकी वजह से आ रही थी। आइज़ैक न्यूटन, नाम तो सुना होगा। जी नहीं। कोई बात नहीं, ये वही इंसान है जिन्होंने हमें ग्रेविटी और मोशन का ज्ञान दिया।
इनके एप्पल वाले इंसिडेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये जनाब एक एप्पल ट्री के पास बैठे थे, तभी एक एप्पल पेड़ से नीचे गिर गया और फिर उन्होंने ग्रेविटी के ऊपर अपना रिसर्च चालू कर दिया। तो आज आप जो ये पिक्चर आपके स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वही एप्पल ट्री है जिसकी वजह से आपको आज ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये पेड़ आज भी जिंदा है और वेल मेंटेन्ड है, और ये न्यूटन के चाइल्डहुड होम के बाहर ही ये पेड़ है। यह था 1915। एसी डनबार नाम की एक महिला मिर्गी की वजह से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। एसी डनबार के फ्यूनरल के टाइम उनकी जो सिस्टर थी वो बहुत लेट से वहाँ पहुँची, और जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने डिमांड किया कि उसके सिस्टर की कॉफिन को एक बार खोल ले ताकि वो उसे देख ले एक बार। कॉफिन को खोलने के बाद उनकी सिस्टर एसी डनबार उठ कर मुस्कुराया और ये देख कर सभी लोग वहाँ पर शॉक्ड हो गए थे। उसके बाद एसी डनबार और 7 years तक जिंदा थी। उस इंसिडेंट के बाद एलसी डनबार के नेवर्स उसे जॉम्बी समझ रहे थे। तो अगर आपको एलसी डनबार का फुल केस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हो कि आपका मेंटल एज क्या है? तो दोस्तों आज ही की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेंटल एज क्या है। तो दोस्तों इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि इस पिक्चर में कितने डॉग्स आप देख सकते हैं। मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अगर आपको 4 डॉग्स मिले हैं तो आपकी मेंटल एज 20 से 25 इयर्स के बीच में है। इसका मतलब आपका ब्रेन लिटरेरी ओरिएंटेड है और आप अपने आप को आर्टिस्टिक और क्रिएटिव समझ सकते हैं। आपको पढ़ना, म्यूजिक सुनना और एक नए फॉर्म ऑफ आर्ट को एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है। अगर आपको 5 डॉग्स मिले हैं तो आपकी मेंटल एज 25 से 30 इयर्स के बीच में है। इसका मतलब कि आपका माइंडसेट एकदम सिंपल है जैसा होना चाहिए। आपका सोशल सर्कल भी बहुत छोटा है और आपको भी यही पसंद है। अगर आपको 6 डॉग्स मिले हैं तो आपकी मेंटल एज अराउंड 30 से 40 इयर्स के बीच में है। आप लोग रियलिस्टिक है, कॉशियस है, लेकिन थिंकिंग में थोड़े ओल्ड फैशन है। आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर रिलाई करते हैं कारण आप मैच्योर्ड और स्टेबिलिटी एग्जीक्यूट करते हैं। आप नेचुरली रिलैक्स्ड है और आपका नेचर भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको 7 डॉग्स मिले हैं तो आपकी मेंटल एज 10 से 20 के बीच में है। आप एकदम चाइल्ड या टीनेजर की तरह है। आप नेचुरली एकदम से नेव है, लेकिन हर चिल्ड्रन की तरह आपका मन भी सिंपल और थॉटफुल है। यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो आप उन चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं और इसी वजह से आप क्वेश्चंस पूछते हैं और यही चीज आपको एक एनवायरेबल फ्रेंड बनाती है। तो दोस्तों आपको कितने डॉग्स मिले जरा कॉमेंट में बताइएगा जरूर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल फैक्ट वाला गुरुजी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।